Assalamualaikum viewers, तो वेलकम हो चुका है आपका हमारे YouTube चैनल रुशीज किचन में। और आज रुशीज किचन में क्या बनाने वाले हैं मम्मी से ही पूछ लेते हैं। तुम आज क्या बना रहे हो? Assalamualaikum viewers, वेलकम हो चुका है आपका रुशीज किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं बादाम से बनने वाली एक बहुत ही बेहतरीन मिठाई हलवा, जिसे कहा जाता है बादाम का हलवा, जो बहुत ही सेहत और हेल्थी रेसिपी है। तो चलो देखें किस तरह बनता है रुशीज किचन में। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। तो सबसे पहला मैंने ले ली हूँ बादाम। बादाम को मैंने भिगा कर रखी थी 6 से 8 घंटे तक के लिए, और इसके मैंने छिलके भी उतार ली हूँ। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सर में। और इसके लिए मैंने ली हूँ रवा, शक्कर, केसर और मिल्क पाउडर। और मैंने ली हूँ दूध। दूध को हम गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे और इसको हम एक बॉईल ले लेंगे दूध को, तो इसका केसर का फ्लेवर इसमें आ जाना चाहिए। और क्या करेंगे हम, और एक अच्छे रिजल्ट के लिए, ये दूध का पाउडर है ना, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम एक बॉईल ले लेंगे, इस दूध का एक उबाल ले लेंगे। हम बादाम को पीस लेंगे। बादाम को हम दरदरा पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे बादाम को। तो मैं पीस के बताती हूँ आपको। तो हमें इस तरह से बादाम को हमें पीसना है दरदरा, थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से उसको पीसना है। तो मैंने कढ़ाई में ले ली हूँ घी, देसी घी ली हूँ मैंने, और 2 बड़े चम्मच ली हूँ। इसमें सबसे पहला घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और 100 ग्राम जितना रवा है ये रवे को हम भून लेंगे। पाव किलो बादाम और 100 ग्राम रवा। गैस पे हम रवे को अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट तक के। हल्का इसका रंग ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो रवे को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए। अब हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने ये बादाम पीस कर रखे थे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको अच्छे से मिला के भून लेंगे। बादाम को भी स्लो गैस पे हमें भूनना है 5 मिनट के लिए। फिर से बादाम को भूनेंगे इधर अच्छे से। अच्छे से मिला लेंगे और इसको भून लेंगे हम अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने यहाँ पे जो साइड में दूध डाल के रखी हूँ, दूध रखी थी केसर और दूध पाउडर मिला के, ये इसमें मिलाएंगे और इसको फिर भूनेंगे साथ में। पहला हम बादाम को अच्छे से मिला लेंगे रवे के साथ, फिर हम इसमें दूध डालेंगे और फिर इसको भी अच्छे से भूनेंगे हम। अच्छा हम इसको भी भूनेंगे। हमारा हाथ हम घुमाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे और जब तक ये कलर चेंज नहीं होता हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो हम इसको भूनते रहेंगे जब तक ये हमारा घी फिर से रिलीज ना हो जाए, जब तक हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और हमारा चम्मच ऐसे घुमा घुमा के इसको पकाते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको मीडियम टू स्लो गैस पे भूनते रहेंगे इसी तरह से। जैसे हमारा घी जैसा रिलीज होना शुरू हो जाएगा हमारे हलवे में से, तो हमारी भुनाई हो जाएगी इस वक्त पूरी कंप्लीट। तो जैसे देख सकते हैं आप, घी अपना साइड में से छूटना शुरू हो गया है और हमने अच्छे से इसको भून लिए है। तो अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है बादाम का हलवा। तो
अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो डिश आउट करके मिलती हूँ मैं आपसे। गैस को कर देंगे इस मोमेंट पे बंद। और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बना है, बहुत ही प्यारी महक आ रही है इसमें से। तो चलो डिश आउट करके मिलती हूँ आपसे मैं। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है हमारा बादाम का हलवा, जो काफी टेस्टी और हेल्दी दोनों है। अगर आप चाहो तो, अगर आप शक्कर नहीं खाते हो तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। और मम्मी अक्सर जब ठंडी का मौसम आता है ना, तब हम लोग को ये स्कूल जब हम लोग जाते थे ना, तो ये हम लोग को बना के देते थे और इसको हम लोग दूध में डाल के खाते थे। तो आप भी इसे दूध में डाल के खाएगा तो और ज्यादा टेस्टी लगता है, और इसको दूध में डाल के ही खाया जाता है वैसे ज्यादातर। तो चलो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। इतना माशाल्लाह खूबसूरत हमारा हलवा दिखने में, उतना ही टेस्टी भी है। तो आइए आप भी बिस्मिल्लाह करने। तो माशाल्लाह से काफी हेल्दी और टेस्टी बादाम का हलवा। काफी ज्यादा टेस्टी माशाल्लाह। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स है बादाम के हलवे के। जैसे बच्चों में कमजोरी आ जाती है तो ये हम बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसको बनाकर बर्नी में भरकर रख देना चाहिए फ्रीज में, फिर रोज गरम गरम दूध में इसको डाल के बच्चों को देना चाहिए स्कूल जाने के टाइम पे या फिर शाम के वक्त। तो कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही इसको बहुत ही अच्छा है, ताकत वाली चीज है ये। तो ये जरूर अपने बच्चों के लिए एक बार रेसिपी ट्राई करें, बनाएं। और मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर एडेड कलर कुछ भी इस्तेमाल नहीं की हूँ, जैसा सिंपल और जैसा हम लोग बनाते हैं उसी तरह बना के आपको बताई हूँ। इसकी बुनाई अच्छी करनी है। इसकी बुनाई करते हुए इसका जब घी इसका रिलीज होता है ना खुद ही, तब तक हमें इसकी बुनाई करनी है। तो ये आप जरूर इसी तरह बनाए रेसिपी को। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रुशीज किचन।